खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने विकास खंड अगस्त मुनि सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह, विधायक भरत सिंह चौधरी समेत विभिन्न क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें कि 3 दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा की अध्यक्षता में 3रे दिन विकास खंड अगस्त मुनि ब्लॉक सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों एवं आम जनमानस द्वारा अपनी समस्याओं को केंद्रीय राज्य मंत्री के सम्मुख रखा गया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने आम जनमानस को भरोसा दिलाया कि उनके द्वारा जो भी समस्याएं दर्ज कराई गई हैं उनका त्वरित निराकरण किया जाएगा। वही मन की बात कार्यक्रम को लेकर अजय टम्टा ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से भारतवर्ष की अनेक प्रतिभाओं का भी प्रदर्शन होता है और उनके द्वारा जो भी उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं उससे अन्य लोगों को उत्साह एवं बढ़ावा भी मिलता है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। केदारनाथ के साथ प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी श्रद्धा है, और प्रधानमंत्री जी की नहीं है, पूरे देशवासियों की। और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से दोबारा से 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ का भगवान भोलेनाथ जी के उस स्थान का दोबारा से जो सौंदर्यीकरण किया है, और आपके ध्यान में मैं एक चीज और देना चाहता हूं, आपके ध्यान में नहीं होगा और ये याद करके रखू, ये ऑल वेदर रोड जो है वो 2017 में आई और ये भारत की पहली ऑल वेदर रोड है, इसको लिख लो एक डायरी में। 2017 में मैं मंत्री था एमओएस टेक्सटाइल, तो मुझे पहली बार बोला गया नितिन गडकरी जी ने कि अजय जी आप मणिपुर जाइए, मणिपुर के कुछ किलोमीटर को हम ऑल वेदर की तर्जमा बनाना चाहते। मैं उस रोड को देख कर आया और मुझे नितिन जी ने बोला कि मंत्री जी, क्योंकि मैं भी मंत्री था, उन्होंने कि कहा कि ये ऑल वेदर कैसा लगा, तो मैंने कहा साहब ऑल वेदर अगर बनाना है तो उत्तराखंड के अलावा कोई दूसरा ऐसा नहीं है कि जहां उत्तराखंड का हम पहली बार ऑल वेदर बनाए, जिससे हम लोगों का समय भी बचाए और उनको लाभ भी दे सकते। तो उनके मन में ऐसे ही आया, तो उन्होंने कहा कह तो तुम ठीक रहे। मैंने कहा मैं कह तो ठीक रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बातचीत करते हैं। बातचीत करने की बात आई, यहां कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत जी की सरकार थी, और पहली ऑल वेदर की घोषणा देहरादून के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने आई, उसकी जिम्मेदारी भी मैंने ही ली थी, और उस ऑल वेदर में 4 धाम को जोड़ने की बात थी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री जी और यमुनोत्री जी।